हेलो, ओके, सो वेलकम टू एम लर्निंग इंडिया। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और नीट की क्लासेस बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं, तो डोंट मिस इट। कंटिन्यूअस रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। और आज मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ अबाउट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो बच्चों, ये जो है हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट बैक्टीरियाज, कि बैक्टीरियाज जो हैं वो किस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होता है, सब डिवीजन उनका क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे होती हैं, कि कोई भी जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसी है, रेस्पिरेशन वो किस तरीके से करता है, रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से करता है। ये सारी जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ये हमने पढ़ ली है मोनेरा किंगडम की। अगर आपने कोई मिस की है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। आज के जो पार्ट है इसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो बच्चों, ये जो मोनेरा किंगडम है ना, इसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियाज के, कि भाई ऑटोट्रॉफ कौन सा है, फोटोट्रॉफ कौन सा है, कीमोट्रॉफ कौन सा है, ये सारे एग्जाम्पल्स ना आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स हमें याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे फॉर दैट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के लिए एक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, टेबल्स बनाते जाइए, ठीक है। टेबल्स में उस जैसे हमने फोटो ऑटोट्रॉफ लिखा है तो उसका एग्जाम्पल हमें लिख रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया, या इस प्रकार से पूरी टेबल आप बना लो कि फोटोट्रॉफ है, कीमोट्रॉफी, कीमोलिथोट्रॉफ, ऑटो जो है फोटो ऑटोट्रॉफ, ये सारी करके ना एक साइड उसका वो लिख लो फीचर, दूसरी साइड पर उसका एग्जाम्पल लिख लो कौन सा बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है। ये चीज अगर आपने कर ली, ये आपको एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर रिविजन करने में बहुत काम आएगी। दूसरा जो है, जब आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इसमें भी टेबल फॉर्म में है सारी चीजें, तो इसी प्रकार से टेबल बनाकर है ना, जो भी फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डिजीजेस इन प्लांट या डिजीजेस इन ह्यूमन बींग, तो डिजीज का नाम और उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये लिख लो। ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि याद करना। याद कैसे करोगे, रिपीटेटिवली उस चीज को पढ़ो, रिपीटेटिवली जब आप उसको रोज देखोगे, एक बार आपने रोज देख लिया यू विल लर्न इट, ठीक है। हमारा माइंड जो है उसमें कंडीशनिंग हो जाती है, माइंड में जितनी बार हम रिपीट करते हैं चीजें वो चीज फिक्स हो जाती है, न्यूरॉन्स जो है उसके स्ट्रांग कनेक्शंस जो है बनते जाते हैं ब्रेन में। तो इस वजह से जब आप रिपीट करते हैं चीजें, रिवाइज करते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। तो बिकॉज यू नो सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीजों का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए और कुछ चीजें बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद ही करनी पड़ती है। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, रिपीट रिपीट एंड फिर रिपीट। तो बस यही है कि रिपीट करना ही पड़ेगा, उससे ही आपको ये चीजें रिपीटेटिवली जब करोगे तो याद हो जाएगी। क्योंकि ये फिजिक्स तो है नहीं कि भाई हमने जो है बेसिक प्रोसेस समझ ली तो फॉर्मूला जो है लर्न कर ली तो हमें याद हो जाएगा। यहाँ पर नाम लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्टेफाइलोकोकस अगर है और अगर वो कुछ डिसीज कॉज कर रहा है तो हमें वो चीज याद करनी पड़ेगी, और वो याद करने का तरीका है रिपीट, ठीक है। सो ये चीज जो है अभी से आप अपने रेगुलर जो है दिनचर्या में शामिल कर लो, कि इस प्रकार से जो है टेबल्स फॉर्म करो, है ना, जो भी बुक्स में आप कॉपीज में नोटबुक्स में मैंने बताया आपको कि बटन्स बनाओ, कलरफुल बटन्स बनाओ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसमें लिखो, और जब आप रिवाइज करते हो तो इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो, और दैट इज ओनली द सॉल्यूशन टू लर्न इट, ठीक। चलिए, सो आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। सो आपको मैं याद दिला दूं कि क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवर फ्रेंड्स और फो। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपने क्या पढ़ा था बच्चों, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ दे आर अवर फ्रेंड एंड हाउ दे आर अवर फो। सो दिस इज ओनली अबाउट दिस टॉपिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यही चीज जो है वो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है क्या है बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया का कहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है वो हम देख रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी में, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी,
ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी मतलब कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देना, सॉइल को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देना। ये कैसे करते हैं बैक्टीरिया? तो देखो डिफरेंट प्रोसेस जो कि हम किस में देखते हैं, हम नाइट्रोजन साइकिल में भी देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है डीकम्पोज करने का। तो डीकम्पोजर्स हमने देखा था कि भाई जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं, और सेप्रोफाइटिक नेचर की वजह से वो क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट और एनिमल मैटर उनके एटमॉस्फेयर में रहता है उसे वो क्या कर देते हैं कि उसे वो डीकम्पोज कर देते हैं एंजाइम्स की मदद से, और फिर उससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये डीकम्पोजर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सॉइल में जो है न्यूट्रिशन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डेड प्लांट और एनिमल मैटर क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो उसको जब वो डीकम्पोज करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर में। तो भाई सबसे पहले हम सॉइल फर्टिलिटी जो है इसमें एक चीज आप डीकम्पोजिशन वाला मैटर तो लिख ही सकते हो कि डीकम्पोज करते हैं तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर इनऑर्गेनिक मैटर प्लांट यूज कर सकते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी में आ जाएगी नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि हमने देखा कि भाई जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें हमारे बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, वो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हैं। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले ना इसके लिए एक छोटे से आपको मैं नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नाइट्रोजन होती है वो गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन प्लांट इसको यूज़ नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो यूज़ नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि आप ये नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो सॉइल में और फिर वो उसे यूज़ कर ले, तो उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। दूसरा, जो प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उन्हें जब डीकम्पोज किया जाता है तो वो प्रोसेस होती है अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन को किसने यूज कर लिया, प्लांट ने, प्लांट और एनिमल, प्लांट को एनिमल ने यूज कर लिया। जब एनिमल और प्लांट मरे तो उनको डीके किसने कर दिया, बैक्टीरिया ने डीकम्पोज कर दिया। और इस प्रोसेस को, ठीक है, जो डेड प्लांट और एनिमल मैटर में जो भी प्रोटीन था वो अमीनो एसिड से ही बनता है, ठीक है। तो इसको डेड प्लांट और एनिमल मैटर को जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। और बच्चों ये प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन, ठीक है। सो डेड प्लांट और एनिमल मैटर आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया व्हिच इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, राइट। अब ये जो अमोनिया है इससे कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड भी बना सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे हैं जो कि इन नाइट्रोजन कंपाउंड से वापस नाइट्रोजन बना सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। याद आ गई पूरी नाइट्रोजन साइकिल, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो देखो अब समझ लो, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहला रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्लांट इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल जब डेड होते हैं प्लांट को एनिमल यूज कर पाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जहां नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में तो उसे हम कह रहे हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो प्लांट और एनिमल ने किया नाइट्रोजन का एसिमिलेशन, लेकिन जब वो मर गए तो उन्हें अमोनिफाइंग, अमोनिफिकेशन जो है, अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट किया इन बैक्टीरिया ने। क्लियर है इतनी बात? अब इस अमोनिया को नाइट्रोजन कंपाउंड में वापस कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो देखिए हमारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे वापस जाती, राइट। तो ये नाइट्रोजन का साइक्लिक रोटेशन, हम बोलते हैं ना कि भाई एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन का है, तो आप
कैसे आप सोचिए कि ये परसेंटेज हमेशा स्टेबल होता है, एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये साइक्लिक रोटेशन कंटिन्यूअसली किया जा रहा है, इस वजह से एटमॉस्फेयर में हमेशा गैसियस कंपोनेंट एक जैसे होते हैं। अगर उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लगेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो थोड़ी सी बढ़ेगी तो दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आजकल हो रही है ना। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। लेकिन बिकॉज ऑफ द सो मच यू नो कंबशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है और इस वजह से इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, नाइट्रोजन साइकिल में इसलिए बताना चाहती थी ताकि कुछ नया नहीं लगे आपको कि अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिफिकेशन, जो कि डेड प्लांट और एनिमल मैटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में, और अमोनियम में NH3 और NH4 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? भाई मैंने तो अभी बता दिया था आपको ऑलरेडी कि याद तो करना पड़ेगा। तो अमोनिफिकेशन के बैक्टीरिया हैं बैसिलस रेमोसस, ठीक है, बैसिलस माइकोइड्स। ठीक, तो अब आप एक टेबल बना लेंगे, एक साइड लिखेंगे अमोनिफिकेशन, ये दो बैक्टीरिया का नाम, क्लियर है। दूसरी प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सो नाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट अमोनिया सॉल्ट्स इंटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो अमोनियम सॉल्ट को NH4 को NO2 NO3 में कन्वर्ट करते हैं ये वाले बैक्टीरिया, और इनका नाम है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको, या और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया है हमारे नाइट्रोबैक्टर, ये तो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, राइट, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोमोनास। ठीक है, सो ये लिख लेंगे नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, अब ना नाइट्रिफाइंग और नाइट्रोजन फिक्सेशन में अंतर पता चल गया है आपको। नाइट्रिफाइंग मतलब अमोनिया से NO2 NO3 बनाना, नाइट्रेट नाइट्रेट बनाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनाना, NH3 बनाना। ठीक है, सो ये कौन से बैक्टीरियाज हैं? एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि भाई सिंबायोटिक रिलेशनशिप में बताया था सिंबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं एजोटोबैक्टर। क्लॉस्ट्रीडियम राइजोबियम सिंबायोटिक बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट का राइजोबियम, ठीक, करते क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो होते हैं उनको भी नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज्ड कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं उनसे ये NO2 NO3 बना लेते हैं। ठीक है, ऑल दिस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो इन सभी की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल होता है एज अ न्यूट्रिशन। ठीक, सो ये प्रोसेस हमने पढ़ ली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चों ये है कि ये जो बैक्टीरिया है इन्हीं से इनको मारने की दवाई हम बनाते हैं, और उन दवाइयों को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द काइंड ऑफ मेडिसिन विच यूज टू किल द बैक्टीरिया और यूज टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इनको जो है हम कुछ दो तरीकों से करते हैं, या तो वो बैक्टीरिसाइडल होते हैं, मतलब या तो वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो उसे रोक देते हैं। तो इन दो तरीकों से ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं एंटीबायोटिक्स? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती है ये ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ये दवाई बनाई जाती है, और UTI यूरिनरी इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, इन डिजीजेस में यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग को। ऑरियोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से बनाई जाती है, लेकिन उसकी स्पीशीज है ऑरियोफेसियंस, ऑरियोफेसियंस। ठीक है, सो ये आप नोट डाउन करेंगे ऑरियोमाइसिन ऑरियोफेसियंस
स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियो फेसियन से बनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर ट्रीट हो रही है? हुपिंग कफ में। हुपिंग कफ क्या होते हैं? पर्ट्यूसिस को हुपिंग कफ कहते हैं, जो कि एक बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। आई इन्फेक्शन में भी इसे यूज किया जाता है। तो ऑरियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियो फेसियंस, ठीक है। देन क्लोरोमाइसिन क्लोरोमाइसिटिन क्लोरोमाइसिटिन जो है वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही जीनस है, लेकिन क्या है उसका स्पीशीज? वेनिजुएली, ठीक है, वेनिजुएली। तो क्लोरोमाइसिटिन वेनिजुएली स्पीशीज से बनाई जा रही है, जो कि टाइफॉइड फीवर में यूज की जाती है ड्रग, ठीक है। देन बेसिट्रेसिन 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 जो है वो बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है, जिसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? सिफिलिस को ट्रीट करने में यूज कर रहे हैं। सिफिलिस जो है एक एसटीडी है, ठीक है। देन पॉलीमिक्सिन बेसिलस पॉलीमाइक्सिया। तो भाई जो नाम सिमिलर है उसको थोड़ा सा उससे समझ लो। पॉलीमाइक्सिन जो है वो पॉलीमाइक्सिया नाम की जो स्पीशीज है उसे बना रहे हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल, तो ये भाई हो गया एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में यूज किए जाते हैं। और इनका एक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि हो सकता है कि वो जो है या तो सेल वॉल को बनाने से रोक दें, ठीक है, या फिर उनके जो है रेप्लिकेशन को ना होने दे। तो इस प्रकार से काम करती हैं एंटीबायोटिक्स ड्रग। इंडस्ट्रियल यूज जो है, ये भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवर फ्रेंड्स और फो में पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल यूज कहाँ किया जाता है? तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए कहाँ पे जो है क्या करता है ये? मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कराता है। जैसे कि कर्ड में बताया था मैंने, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो वो क्या करता है, जो मिल्क शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड और जो है उसमें, तो लैक्टिक एसिड की वजह से दूध जो है उसका कोएगुलेशन हो जाता है और दही बन जाता है। सो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये जो दो बैक्टीरियाज है इनका यूज करते हैं। बटर बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस लैक्ट जहां पर भी आया इट इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम, ठीक है। सो ये नाम आप लिख लीजिए बटर के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवेरम, ठीक है, सिट्रोवोरम। देन चीज इंडस्ट्री में जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो चीज रहता है कॉटेज चीज रहता है उसको फर्मेंट करते हैं और उसकी वजह से उसमें एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, जिससे चीज बनाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफोबस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये कॉमनली चीज बनाने में यूज करते हैं। तो चीज, बटर, कर्ड, योगर्ट इन बनाने में इन बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये पता ही है हमें। योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है, योगर्ट बनाने के लिए, ठीक है। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड को विनेगर कहा जाता है और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन जो है एसिटोबैक्टर करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि फर्मेंटेशन से क्या बनाता है, शुगर के फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड बनाता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो इथाइल एल्कोहल के फर्मेंटेशन से जो है वो क्या बनाता है, विनेगर, ठीक है। सो मोलेसिस का फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे जो है विनेगर या एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। सो ये है इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। देन अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि बैक्टीरिया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं शुगर के फर्मेंटेशन से। तो मिथाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने में क्लॉस्ट्रिडियम एसिडोब्यूटिलिकम, ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने में
एसिटोब्यूटेलिकम, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटेलिकम क्या कर रहा है, तो अल्कोहल और एसीटोन बना रहे हैं किसके फर्मेंटेशन से, मोलेसिस के फर्मेंटेशन से। मोलेसिस क्या होता है, तो मोलेसिस जो है वो केन शुगर से जो शुगर मिलती है उसके फर्मेंटेशन से ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये एनोरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके फर्मेंटेशन की वजह से इस प्रकार से अल्कोहल बनती, क्योंकि हमें पता ही है कि अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है वो एक एनोरोबिक प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन की मदद से होती है। तो शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है या एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। रेटिंग ऑफ फाइबर, रेटिंग ऑफ फाइबर क्या होता है, तो जो जूट फाइबर्स होते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लैक्स, हैम्प और जूट, तो इनका क्या होता है कि इनके फाइबर्स के ऊपर कुछ जो है प्लांट टिश्यूज रहते हैं, तो उनको हटाने के लिए रेटिंग की जाती है। रेटिंग से क्या होता है कि उनको जो है इन बैक्टीरिया के बीच में छोड़ दिया जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, फाइबर के अलावा बाकी चीजों को खा के खत्म कर देता है, तो फाइबर्स बचते हैं, तो इसे कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर। क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम ये प्रोसेस करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम, और जो है इसमें क्या करते हैं, प्लांट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, फाइबर्स को जो है प्लांट टिश्यू से सेपरेट किया जाता है, और उसके जो है प्रोसेस की वजह से वो हट जाता है, वो उसे खा के खत्म कर देते हैं, फाइबर्स बचता है तो फाइबर निकाल लेते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर कहा जाता है इसे। फिर वाइटामिन बनाने के लिए भी कुछ जो है हमारे बैक्टीरियास काम आते हैं, जैसे कि स्टीरिया कोलाई। स्टीरिया कोलाई ना हमारी इंटेस्टाइन में रहने वाला एक कॉमन बैक्टीरिया है, तो ये जो है हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और ये विटामिन के प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे लिए विटामिन बनाता है स्टीरिया कोलाई, ठीक है। दूसरा है क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटेलिकम, जो हम यहाँ पर भी देख रहे थे, यहाँ भी प्रोसेस हो रही थी फर्मेंटेशन की, तो ये क्लॉस्ट्रिडियम एसिटिल ब्यूटाइलिकम जो है ये विटामिन बी टू बना रहा है, और ये शुगर के फर्मेंटेशन से ये विटामिन बी टू बनाता है, ठीक है। देन क्योरिंग ऑफ टी, क्योरिंग ऑफ टी एंड टबैकोस, तो टबैको और टी का जो है उसको भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, ताकि उसमें ना एक फ्लेवर आ जाता है टी और टबैको में, तो उसमें यूज किए जाते हैं माइकोकोकस कैंडी, कैंडिडिसेंस, ठीक है, कैंडिसेंस और बैसिलस मेगाथेरियम, ठीक है, बैसिलस मेगाथेरियम। तो माइकोकोकस कैंडिसेंस और बैसिलस मेगाथेरियम जो है वो टी और टोबैको क्योरिंग में यूज करे जाते हैं, टू ऐड द स्पेशल फ्लेवर एंड अरोमा टू द टी एंड टोबैको, ठीक है, तो फर्मेंटेशन से उसमें एक फ्लेवर आता है, सो उसके लिए इसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन का, ठीक। चलिए, नाउ विल गो टुवर्ड्स द बैड यूजेस ऑफ, बैड नॉट बैड यूजेस नहीं कह सकते, बैड इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी हमने देखा कि भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर हमें हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो तो हमने देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि नुकसान क्या पहुँचा रहे हैं। तो नुकसान यही है कि दे आर पैथोजन्स, पैथोजन्स हैं तो हमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स जो हैं उनमें डिफरेंट डिसीजेस कॉज करते हैं बैक्टीरिया। पहली डिसीज जो है हम देख रहे हैं राइस में, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लाइट मतलब पता है क्या होता है, जैसे जल जाना, उसे हम बोलते हैं ब्लाइट। इन केस ऑफ प्लांट्स ब्लाइट का मतलब है कि पत्तियां जली हुई जैसे लगना, तो बैक्टीरियल ब्लाइट ज़ेंथोमोनास ऑर्जी करता है, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ज़ेंथोमोनास ऑर्जी करता है। ये देख सकते हो ये राइस की पत्तियां हैं, ठीक है, राइस की पत्तियां रहती हैं इस प्रकार से, ग्रास, बड़ी ग्रास जैसी बोल सकते हो, और इसमें जो है इस प्रकार से पत्तियां देखो ऐसा लग रहा है ना येलोइश कलर जैसे जल गई हो धूप में, तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट है और ज़ेंथोमोनास ऑर्जी करता है इसको, ठीक है। एप्पल, एप्पल में होता है फायर ब्लाइट, ठीक है, फायर ब्लाइट ऐसा लगना जल गई हो ये भी, तो ब्लाइट एरविनिया एमाइलोवोरा, एल्विनिया एमाइलोवोरा ये करता है एप्पल में डिसीज। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप,
ठीक है, एप्पल है, आप देख सकते हैं लीफ का अपीयरेंस कैसा है, जैसे जल गई हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं फायर ब्लाइट, है ना, जंगल में आग लगती है तो कैसा अपीयरेंस लगता है, इस प्रकार से लग रहा है, तो इसको बोला है फायर ब्लाइट। तो एल्विनिया जो नाम का बैक्टीरिया है, एर्विनिया नाम का बैक्टीरिया जो है वो करता है एर्विनिया एमाइलोवोरा, ठीक है। कैरेट, कैरेट में सॉफ्ट रॉट, रॉट मतलब खराब हो जाना, ठीक है, रॉटन हो जाना, सड़ना, तो सॉफ्ट रॉट करता है किसमें, कैरेट्स में, और ये भी एर्विनिया नाम का जीनस ही है, लेकिन इसका जो स्पीशीज है वो है केरेटोवोरा, केरेटोवोरा, ठीक है, वो था एमाइलोवोरा, ये है केरेटोवोरा। तो ये जो है क्या डिजीज कर रहा है, कैरेट्स, ये देखिए कैरेट्स आप देख रहे हैं सॉफ्ट रॉट, सड़ा हुआ से दिख रहा है हमें बीच बीच में, तो इसे कह रहे हैं हम सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट। सो एर्विनिया केरेटोवोरा नाम का बैक्टीरिया कर रहा है। सिट्रस, सिट्रस कैंकर, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर क्या है, लेमन में ये डिजीज होती है, और जेंथोमोनास सिट्राई जो है ये डिजीज करता है, जिसमें आपको छोटे 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 डॉट्स जो हैं वो दिखते हैं, तो वो एक प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि नींबू को जो है छोटे छोटे छाले हो गए, तो छालों को इंग्लिश में बोलते हैं कैंकर, तो इसको नाम दे दिया सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो जेंथोमोनास सिट्राई ये डिजीज कॉज करता है। देन कॉटन प्लांट में, कॉटन प्लांट में एंगुलर लीफ स्पॉट्स, तो लीफ में जो है स्पॉट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, फ्रूट्स में भी स्पॉट्स मिल सकते हैं कॉटन के, जेंथोमोनास वाल्वी सेरम, ठीक है, मालवी सेरम, ठीक है, जेंथोमोनास मालवी सेरम करके जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज कर रहा है कॉटन प्लांट में, ठीक है। कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है किसानों के लिए, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो लीफ है उसमें हमें स्पॉट्स मिल रहे हैं, ट्रायंगुलर स्पॉट्स, स्पॉट्स, ठीक है, एंगुलर स्पॉट्स ऑफ कॉटन, ओके, सो एंगुलर लीफ स्पॉट जो है वो कौन कॉज कर रहा है, जेंथोमोनास मालवेसीरम, ठीक है, मालवेसी फैमिली का प्लांट, तो मालवेसीरम, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो में रिंग रॉट, रिंग रॉट, ये तो तुमने घर पे भी देखा होगा कभी, ठीक है, सो रिंग रॉट जो है वो कौन कॉज कर रहा है, केल्वी बैक्टर मिशिगिनेसिस, ठीक है, क्या डिजीज है देखो अब, ठीक है, आलू को काटा तो इस प्रकार से रिंग शेप में हमें सड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसे हम बोल रहे रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ठीक, रिंग रॉट, सो केल्वी बैक्टर मिशिगिनेसिस, ठीक। देन पोटैटो में एक और डिसीज है स्कैब्स, ठीक है, जो कर रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज, ये कैसा दिख रहा है देखिए, ये देखो, ये भी आपने देखा होगा कई बार पोटैटो में इस प्रकार से डॉट्स हमें दिखते हैं कई बार बाहर, और उसे हम नहीं लेते कि तो खराब है, तो ऑफकोर्स वो खराब ही होता है क्योंकि उसको एक बैक्टीरियल डिसीज है स्कैब की, ठीक है, और ये कौन कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज। तो ये नाम और डिजीजेस याद होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है और यही वो मेहनत है, ठीक। चलिए, नाउ एनिमल डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये तो हमने देखा प्लांट डिजीजेस जो किससे हो रही है, बैक्टीरिया से, अब हम देख रहे हैं एनिमल डिजीजेस, तो कॉमन एनिमल डिजीज है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो होता है वो कैटल्स में, शीप्स में, ठीक है, गोट्स में ये डिजीज कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, कॉक्स बैक्टीरिया, कॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था बैसिलस एंथ्रेसिस को, है ना, ये देखो ये काउ में ये डिजीज होती है, और जो है काउज में लिम्फेडिनोपैथी होती है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, स्किन पर हमें जो है एश्चार जो है दिख सकते हैं, एश्चार मतलब जो है अल्सर्स टाइप हमें दिख सकता है, ठीक है, और ये जो है डिसीज कैटल से ह्यूमन में भी हो सकती है, ठीक। सो ये बैक्टीरियल डिसीज है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि किस में होती है, कैटल्स में, एंथ्रेक्स, ठीक है। दूसरी डिसीज है कैटल्स में ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस, तो ब्रुसेला एबॉर्टस, ब्रुसेला एबॉर्टस ब्रुसेलोसिस कॉज कर रहा है, देखें कैसी डिसीज है, तो ये देखो ब्रुसेलोसिस जो होती है वो सीरियस डिसीज है कैटल्स में, क्योंकि इट मे कॉज एबॉर्शन इन कैटल्स, इट मे कॉज स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब है कि अगर बेबी हुआ है काऊ को तो इट कैन बी डेड, दैट इज कॉल्ड इज स्टिल बर्थ, ठीक है।
या फिर जो काव्स का बर्थ होता है वो वीक हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ये इन्फेक्शन हो, तो ये सारी प्रॉब्लम रिटेन्ड प्लासेंटा, प्लासेंटा जो होता है वो टिश्यू होता है जिससे कि जो बेबी है वो मदर से कनेक्ट होता है, तो वो प्लासेंटा रिटेन्ड हो सकता है इन केस ऑफ दिस ब्रुसेलोसिस इन्फेक्शन, ठीक है। देन जो है अदर प्रॉब्लम हो सकती है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काउज में कम हो जाए, ठीक है, या काउ को भी इन्फेक्शन हो जाए, काफ को भी इन्फेक्शन हो जाए मदर से, ठीक है, या डिक्रीज्ड फर्टिलिटी या पुअर कंसेप्शन रेट जो है काउज में काम करता है, इफेक्ट कॉज करता है ये कि फर्टिलिटी उसकी कम हो जाए, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो ये जो है एक जो एक कैटल फार्मिंग करता है उसके लिए बिगर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वहां पर दैट इज इंपॉर्टेंट, फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट, फर्टिलिटी नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, काउ में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है, तो दैट्स वाई ब्रुसेलोसिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अ फार्मर या कैटल फार्मर जो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। आर्थराइटिस भी करता है, आर्थराइटिस मतलब जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लैम हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो ये है ब्रुसेलोसिस और कौन कर रहा है, ब्रुसेला एबॉर्टस, एबॉर्टस नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि इट कॉजेज एबॉर्शन इन काउस। कैटल, कैटल में बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस इज सम डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो बोवाइन मतलब वो ट्यूबरकुलोसिस जो कि कैटल्स में होती है उसे हम कहते हैं बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस ये उसी का ही भाई है जो कि ट्यूबरकुलोसिस करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये उसी का ही भाई है माइकोबैक्टीरियम बोविस, तो ये जो है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस करता है कैटल्स में। और बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें क्या होता है, ये ना तो सिर्फ काउज में बल्कि जो है डियर्स में भी कॉमन डिसीज है ये देखी जाती है, जिसमें क्या होता है हमें लम्स मिलते हैं लंग्स में जो है स्मॉल जो है लम्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा जो इनके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो एनलार्ज मिलते हैं क्योंकि जब भी कहीं पर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। लिम्फ नोड क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सभी जगह ऐसे जो है ऑर्गन्स होते हैं लिम्फ नोड जहाँ पे कि WBC लिम्फोसाइट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है और उनका काम यही होता है इन्फेक्शन से लड़ना, तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। देन वेट लॉस और लेट स्टेज में कफिंग कॉज करता है, तो ये इस प्रकार से हमें जो है ग्रिटी स्पॉट्स जो है मिलेंगे, लम्प्स मिलेंगे कहाँ पर, लंग्स में और रिब केजेस में, तो ये बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जो कि कैटल्स में होता है, ठीक है। सो यस, नाउ द नेक्स्ट डिसीज इज ब्लैक लेग। ब्लैक लेग जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम चानवी करता है, ठीक है, और ये जो है क्लॉस्ट्रीडियम चानवी करता है ब्लैक लेग, और ये भी सीरियस इन्फेक्शन होता है कैटल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है कैटल्स की, तो इट मे कॉज सडन डेथ और विदाउट एनी क्लिनिकल इलनेस, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर रहता है ज़्यादा जो कि 104-106 तक हो सकता है, और इसकी वजह से जो मसल्स होती हैं उसकी वो ज़्यादातर लेग्स की मसल्स अफेक्ट होती हैं जो वहाँ पर की उसकी वजह से उसे वीकनेस होगी, लैमनेस होगी, चल फिर नहीं पाएगा और जो है डिस्निया हो सकता है उसको, सांस नहीं ले पाएगा और इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है, तो ये कहलाता है ब्लैक लेग डिसीज, ठीक है, और विच कैन कॉजेस डेथ इन कैटल्स, और किसकी वजह से हो रही है, क्लॉस्ट्रीडियम चानवी की वजह से। तो ये है, दीज आर सम कॉमन डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियास। नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन बींग, ठीक है, जिसको जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं इनके बारे में। सो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है। कॉलेरा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटरी मोशंस होते हैं, लूज मोशंस, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई बार कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है कोलैप्स होने की वजह से।
टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है टाइफॉइड, जिसमें हाई फीवर होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और अल्सर्स भी हो सकते हैं इंटेस्टाइन में. सो ये होता है टाइफॉइड में. देन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें लंग्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं और जो है उसकी वजह से कई बार बहुत कफ, प्रोडक्टिव कफ और लॉन्ग टर्म इलनेस जो है ट्यूबरकुलोसिस में होती है. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है. देन लेप्रसी, लेप्रसी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो ये भी माइकोबैक्टीरियम का भाई है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है इसका. इसमें जो पैचेस है स्किन पर, सबसे पहले हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं. हाइपोपिगमेंटेड का मतलब ये है कि स्किन पर ऐसे पैचेस होंगे जहाँ पर कि पिगमेंट कम है, वाइटिश कलर के, स्किन से लाइट कलर के पैचेस हमें दिखते हैं और यहाँ पर नर्व को भी अफेक्ट करते हैं. इस वजह से ऐसे पैचेस में हमें सेंस नहीं मिलता है ना, वहां पर सेंसरी लॉस नहीं मिलेगा, उसको टच फील नहीं होगा, उसको पेन फील नहीं होगा जहां पर भी पैचेस होते हैं. तो ये होता है लेप्रसी में, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री. निमोनिया, वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं. डिप्लोकोकस निमोनी जो है एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि निमोनिया कॉज करता है कॉमनली. प्लेग, निमोनिया क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, हाई फीवर होता है, कफिंग जो है होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है और निमोनिया से डेथ भी हो सकती है, ठीक है. प्लेग, प्लेग जो है एक ऐसी डिसीज है जिसके कि दो वेक्टर होते हैं, एक रेट होता है और एक रेट फ्ली होती है. तो रेट फ्ली के थ्रू रेट में होता है प्लेग और प्लेग्स के, रेट्स के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग को प्लेग होता है. तो प्लेग में जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ जाता है जिसकी वजह से लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, बहुत हाई फीवर होता है और जो है डेथ भी हो सकती है प्लेग की वजह से. तो यार्सिनिया पेस्टिस इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग. देन डिफ्थीरिया, सो डिफ्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है क्रायनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी. और डिफ्थीरिया में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर थ्रोट में फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है नेक की और बुल नेक अपीरियंस हमें मिलता है डिफ्थीरिया में. और लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, हाई फीवर वाली स्टेज होती है, क्रूप हो सकता है बच्चे को, बहुत ज़्यादा कफ, बार्किंग कफ होता है जिससे डेथ भी हो सकती है. बच्चों में होने वाली कॉमन इलनेस है डिफ्थीरिया. सो क्रायनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी. टिटनस, टिटनस तो पता ही आपको, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनाई जो ये जो है इन्फेक्शन किसका करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन करता है जिसकी वजह से बहुत फ्रिक्वेंट स्पाजम फील करता है पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स आते हैं, मसल्स स्टिफ हो जाती है और जो है जो बॉडी है वो धनुष तरीके तरह हो सकती है, ठीक है. सो वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको पिक्चर. क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. देन फूड पॉइजनिंग कॉमनली होती है, बाहर का खाना खा लो तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम इज द वैरायटी जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है. देन सिफिलिस, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और ट्रिपेनोमा पैलिडियम जो है इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. तो ये क्रोनिक इलनेस है जिसका कि लॉन्ग टर्म पर जो है बहुत सारे इफेक्ट कॉज करता है बॉडी में. सो दीज आर सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है. सो ये देखो साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड में क्या हो रहा है, तो इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है, और टंग पर वाइट कोटिंग हमें मिलती है, हाई फीवर हमें मिलता है और खराब पानी पीने से टाइफॉइड फैलता है. अगर गंदा पानी पी लें जिसमें टाइफॉइड बैक्टीरिया हो, साल्मोनेला टाइफी, तो हो जाता है टाइफॉइड. कॉलेरा, कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलरी की वजह से होता है. क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है डायरिया, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, वॉमिटिंग, इंक्रीज थर्स्ट और लो ब्लड प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है. तो ये होता है हमारे कॉलेरा का सिम्टम्स, ठीक है. देन ट्यूबरकुलोसिस, लंग का इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है.
लेप्रसी, लेप्रसी में बताया था मैंने कि भाई स्किन पर लाइट पैचेस हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा नोड्यूल्स भी आ सकते हैं, बहुत लेटर स्टेजेस में स्किन पर, फेस पर नोड्यूल्स बन जाते हैं और जो है वहाँ पर बैक्टीरिया रहता है और इसकी वजह से जो है सेंसरी लॉस होता है, स्किन में टच का सेंसेशन, पेन का सेंसेशन पेशेंट को नहीं होता, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया में आप देख सकते हैं एल्वियोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है और एल्वियोलाई में इस प्रकार से फ्लूइड भर जाने की वजह से जो पेशेंट है उसे ब्रेथलेसनेस लगती है, वो सांस नहीं ले पाता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन जो है वो लंग्स में फील करता है, तो न्यूमोकोकस जो है उसकी वजह से होता है। अच्छा, देन प्लेग जो है, प्लेग बताया था मैंने कि भाई फ्ली और रेट जो है इसमें कनेक्टेड रहते, तो आप देख सकते हैं कि रेट जो है उसके पास प्लेग रहता है और फ्ली जो है उसकी वजह से फैलता है और इस प्रकार से जो है फ्ली अगर ह्यूमन को बाइट कर ले तो ह्यूमन में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है और इस प्रकार से दो इसके वेक्टर होते हैं और प्लेग जो है उसमें हाई फीवर और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ये दो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। देन डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया में बताया था मैंने कि एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो है थ्रोट में और उस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, पेन होता है बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिफ्थीरिया में देखने को मिलती है। कोराइनेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफ्थीरिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे, कैसे हमें बनाना है टेबल ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से आई होप आपने टेबल क्रिएट की हो, नहीं किए तो पीछे जाकर देखो रिवर्स करके और अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करो और फिर इसे रोज आप पढ़ो तो आपको बिल्कुल 100% जो है मेरा वादा है आपको याद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कुछ नया टॉपिक, क्योंकि मोनेरा किंगडम तो आज हम खत्म कर चुके हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।